हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपको 7 टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप एपेक्स लेजेंड में इम्प्रूव हो सकते हो। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। सो द नंबर 1 टिप इज नेवर फाइट विदाउट शील्ड्स। देखो भाई, शील्ड्स आर रियली इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसमें इस गेम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास शील्ड नहीं है तो नेवर अप्रोच फॉर अ फाइट, ये बात ध्यान में रखनी है। क्योंकि अगर आपके अपोनेंट के पास शील्ड है और आपके पास शील्ड नहीं है, आपके पास इनफैक्ट गन भी है, तो उसको है एडवांटेज। अगर उसने आपके को 2-3 पंचेज मार दिए और आपके बिल्कुल पोटैटो एम्स है, देन यू विल डेफिनेटली डाई। इसमें कोई भी वो रीज़न नहीं है, आप आराम से मर सकते हो। तो यूज़ योर शील्ड्स और रिचार्ज योर शील्ड, देन गो, अदरवाइज डोंट अप्रोच फॉर अ फाइट। एंड तो सेकेंड टिप है, फाइंड अ गन दैट सूट्स यू बेटर। तो ये सेकेंड टिप ऐसे है कि आपको, मैं कोई पर्टिकुलर गन लेने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा कि आप कोई लाइक स्पिट फायर लो, आप लॉन्ग बो लो। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको कौन सी गन ज़्यादा बेटर सूट करते हैं, कि वो सिंगल फायर गन है या ऑटो फायर गन है, वो आपको चूज करना है। आपके एम्स किस में ज़्यादा बेटर है तो आप ही बता सकते हो वो कैसी गन आपको सूटेबल है, देन ओनली यू कैन गो फॉर इट। सो जो नंबर 3rd टिप है, डू यूज नेट्स। मैंने काफ़ी बंदों को देखा है जो कि नेट्स, आक्सचा या ग्रेनेड्स कुछ यूज़ नहीं करते। वो पूरी फाइट लेंगे, पूरी गेम खेलेंगे, बट दे नेवर यूज नेट्स। देखो भाई, जी दबाना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीसी में खेल रहे हो तो नेट्स यूज़ करना रियली इंपॉर्टेंट इन दिस गेम। So it's better you start using nades, cause they have a better impact on your opponent. अगर आप उन्हें मारोगे तो अगर आपके nades properly पहुँच जाते हैं तो आप अच्छी तरह से उन्हें knockdown कर सकते हो। So do use nades. Okay, so number 4th tip है, play with your sensitivity. मैं आपको इसमें आपको कोई माउस लेने के लिए नहीं कह रहा, कोई जाके गेमिंग माउस खरीदो, ऐसा कुछ नहीं है। गेमिंग माउस कोई इतना इम्पैक्ट नहीं डालते। हाँ, उनकी क्वालिटी वगैरह, उनके एक्स्ट्रा बटन्स आपको एडवांटेज दे देते हैं, बट जो ये चीज़ है कि आपको हाई डीपीआई वाला माउस चाहिए। देखो, मैंने काफ़ी प्लेयर्स को देखा है जो अपनी डीपीआई सेंसिटिविटी काफ़ी बढ़ा देते हैं और इन गेम सेंसिटिविटी को काफ़ी कम कर देते हैं। सो दैट डजंट मेक एनी सेंस। आप उसे अपने माउस से करो, उससे करो, गेम की सेंसिटिविटी आपके माउस के बराबर ही रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जैसी सेंसिटिविटी है उसके साथ खेलो, बट अपनी सेंसिटिविटी सेट कर लो कि आपको हाई सेंसिटिविटी चाहिए या लो सेंसिटिविटी चाहिए, वो आपके ऊपर है। ओके, सो नंबर 5th टिप इज क्राउच एंड स्प्रिंट वाइल शूटिंग। देखो, एक तरह की ट्रिक है। अगर आपने किसी अपोनेंट को देख लिया, आप उसे उसकी तरफ जा रहे हो, तो ट्राई रनिंग एंड देन क्राउच। तो इससे होगा क्या कि आप जब जाओगे, आप उससे स्किड मारते हुए जाओगे, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में हो जाएगा, क्योंकि उसको माउस पूरा हिलाना पड़ेगा। जैसे कि आप स्किड मारोगे तो उसके एम्स पूरे ख़राब हो जाएंगे और आप उसे आराम से शूट कर सकते हो। सो एक तरह की ये ट्रिक है जिसे आप यूज़ कर सकते हो। सो नंबर 6 टिप इज मास्टर योर हीरो। ये देखो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किस हीरो के साथ खेल रहे हो, कॉज आपको उसकी सारी एबिलिटीज़ और पता है कि वो क्या कर सकता है और कितना तेज़ भाग सकता है वगैरह वगैरह। तो आपको देखना है वो आपका हीरो कितना तेज़ भाग सकता है। मेरा फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट मिराज है, तो मैं मिराज के साथ खेलता हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने उसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लिया है। हालाँकि मैं नए नए हीरो ट्राई करता रहता हूँ, बट आपको एक ही हीरो के साथ खेलना है ताकि आप इम्प्रूव हो सको। एंड द लास्ट टिप इज हॉट ड्रॉप। दिस मीन्स कि आपको एक ऐसी जगह पे उतरना है जहाँ प्लेयर्स लैंड करें। इसका मतलब आप प्रैक्टिस कह लो। देखो, आप जहाँ जब लैंड करोगे एक जगह पे जहाँ बहुत सारे प्लेयर लैंड करते हैं, तो आपको सीखने को मिलेगा। देन यू कैन ट्राई किलिंग पीपल। तभी आपको बार बार मरोगे आप, ये तो डेफिनेट है कि आप बार बार, ऑब्वियस है कि आप मरोगे, बट फिर आपको यही इसी चीज़ से सीखना पड़ेगा कैसे आप करना है आपको, कि बार बार मर के कैसे आप प्लेयर्स को मार सको। सो दैट्स ऑल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ विल हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी काइंड ऑफ अपडेट वी पोस्ट ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सो बाकी के हैंडल्स
डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे होंगे, इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो देम, एंड सी यू गाइस इन अ नेक्स्ट वीडियो, टिल देन पीस, बाय बाय.